एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सुबह के बज चुके हैं 10, हाँ 10 बज रहे हैं, ये देखिए तो 10 बज गए हैं। और बाबू क्या कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, ये देखिए मेरे को। और बिस्तर का हाल देख लीजिए, कितना गंदगी फैलाया हुआ है। ये बिस्तर पे गिराया हुआ है और प्लेट को पलटा दिया है। मैंने दी थी उसमें थोड़ा सा मुरमुरे वगैरह, तो प्लेट को पलटा के जितना भी उसमें था सब नीचे गिरा दिया। तो मैंने चाय निकाल ली, तो मैं चाय पी लेती हूँ। और आर्यन स्कूल गया है, कल और परसों दो दिन उसकी छुट्टी रहेगी। ये देखिए, चाय निकल गई है और टोस्ट भी निकल गया, तो मैं चाय टोस्ट मतलब खा लेती हूँ। थोड़ा सा तो नाश्ता हो जाएगा, उसके बाद फिर खाना वाना पकाने बैठती हूँ। तो मिलते हैं हम बाद में। तो यहाँ मेरा नहाना हो गया था, खाना भी हो गया है, और बाबू को भी नहला दी थी, तेल मालिश करके दूध दे दी, सुला दी। उसके बाद आर्यन के पापा आए, तो मैं बोले चलो चलते हैं कहीं। तो आर्यन पापा बोले चलो ठीक है चलते हैं। तो हम बताते हैं आप लोगों को आगे कि कहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए बारिश का मौसम है और बारिश चालू ही है। और ये देखिए गाय, कितना अच्छा घास चल रही हैं और इतना हरा हरा दिख रहा था हर जगह की, क्या बताऊँ। तो हम लोग जा रहे हैं राशन के दुकान पर राशन लेने के लिए। तो ये देखिए राशन के दुकान पर पहुँच ही गए हैं। और ये इस दुकान में मैं फ़र्स्ट बार आई हूँ राशन भराने के लिए। तो देखते हैं कि मतलब क्या क्या रेट कैसा देते हैं, यहाँ से भी लेके देख लेते हैं, बोलते होल सेल है पर देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट बार आए हैं यहाँ लेने के लिए, तो मतलब अचानक से प्लानिंग बन गया कि चलो राशन भराने चलते हैं। तो लिख के मैं कुछ नहीं रखी थी, लिस्ट नहीं बना के रखी थी, बस ऐसे ही निकल आए हम लोग। तो जो दिमाग में आया वो सामान लिए हैं, ये देखिए। तो जो जो हमारे दिमाग में आया, जो मतलब याद आया गया कि ये नहीं वो नहीं, तो वो ले लिए। और ये पहुंच गए हैं घर पे, हम सामान लेके आ गए घर पे। तो वही देख रही हूँ कि मतलब जो जो बोली हूँ वही वही दिए हैं कि नहीं। तो ये देखिए आप लोग क्या क्या दिए हैं, अभी देखते हैं, क्योंकि लिस्ट बना के लेके नहीं गए थी तो पता नहीं चलेगा। उनका तो है, वो बनाए हैं जिसमें बिल वो है वही, मतलब आर्यन के पापा मैचिंग कर रहे हैं कि है उतना सामान, क्या क्या दिए, क्या रेट दिए हैं, तो वही वो देख रहे हैं। तो मैं सामान निकाल निकाल के बाजू में रख रही हूँ। तो सर्फ पाउडर बहुत ही कम था, सर्फ एक्सल नहीं था उनके पास। वैसे भी मैं एरियल यूज़ करती हूँ लिक्विड, मगर सर्फ एक्सल भी कभी कभी लगता है, क्योंकि उतना ज़्यादा अच्छे से मुझे लगता है कि लिक्विड से धुलता नहीं है कपड़ा, तो मैं सर्फ एक्सल भी यूज़ करती हूँ। और ये एक गोनी सामान है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। वो मतलब निरमा पाउडर, शैम्पू, साबुन, वो सब अलग से दिए थे कि अलग लेके जाइए, और ये अलग है। तो इसमें भी देखते हैं क्या क्या मतलब है। ऑयल हो गया, मैं तो ऑयल बड़ा वाला कैन लेने गई थी 15 लीटर वाला, लेकिन क्या फतार है, उनके पापा का मूड पलट गया, तो वो बोले जाने दो, हम कहीं और से लाएंगे, शायद महंगा दे रहे थे वो। तो अभी फ़िलहाल के लिए अभी हम ला लिए हैं छोटा वाला पैक 5 लीटर का, और 2 लीटर लिए हैं राई का तेल, क्योंकि बाबू के लिए मालिश के लिए भी लगता है। और ऐसे कभी कभी मन करता है कि सरसों के तेल से भी मतलब चिकन हो गया अपना, कुछ भी हो गया, बनाने का मन करता है, तो इसलिए 2 लीटर लेके आए। बाकी ये घर का सामान है जो, तो वही आर्यन के पापा उधर लिए हुए हैं वो बिल, और उसमें से मैचिंग कर रहे हैं कितना सामान है क्या है, और इधर मैं निकालती जा रही हूँ। तो ये देखिए, तो महंगा सामान लगा है, अब नहीं लेंगे हम उस दुकान पे जाके, हम लोग जहाँ से लेते थे वहीं से लेंगे अब सामान। तो फर्स्ट बार हम सोचे जाके देख लेते हैं क्या कैसा है, बहुत महंगा लगाए थे। अच्छी हरियाली है, कितना अच्छा हरा हरा है हर जगह पे, बहुत अच्छा लग रहा है हरा हरा मतलब देख के। और बारिश अभी मतलब हुई है और अभी नहीं हो रही है, बस 5-10 मिनट पहले हुई होगी। ये देखिए कितना गीला गीला,
और आर्यन साइकिल चला रहा है। तो हम लोग आए हैं ऐसे घूमने के लिए, पैदल ही निकल आए हैं, गाड़ी पे नहीं आए थे। मेरे बाल बाहर भारी है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। तो हवा चल रही तो उड़ रहा है ना बाल। मम्मा हाय करो। हाय यश। तो इतना अच्छा हवा चल रहा है, क्या होता है। हेलो, क्या हुआ उसको? ठंडा लग रहा होगा ना। ठंडा, इतना ठंडा लग रहा था, क्या बताऊँ। इधर मुझे खुद से लग रहा तो बाबू को क्यों नहीं लगेगा, बहुत ठंडा लग रहा है। और ये देखिए यहाँ का मौसम कितना अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इधर का मौसम। इधर बाजू में ही ये रोड गई है तो गाड़ी जा रही है। बताओ मम्मा, लग रहा है ना ऊपर ऊपर है ये सब, ये एकदम नीचे है। हाँ बड़े बड़े है ना। हाँ ये सब बड़े बड़े। ये देखिए बाबू कितना प्यारा लग रहा है ना। हम लोग ऐसे ही मन किया घूमने के लिए, बारिश चल निकल गई थी तो हम लोग सोचे चलो कहीं से थोड़ा सा घूम के आते हैं। हम लोग आ गए हैं घूमने के लिए ऐसे ही, थोड़ा सा माइंड चेंज होगा। ये देखिए बाबू कितना मस्त जा रहा है, खुद से चलने लगा है अभी। तो हम लोग ऐसे ही देखते हैं कहाँ तक जा रहे हैं। ये देखिए बाबू क्या कर रहे हैं, वो मिट्टी लिया है हाथ में। आज बाबू को खुल के मतलब खेलने के लिए मिला होगा थोड़ा सा मिट्टी वगैरह ये सब। मुझे तो ये हरियाली हरियाली बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा देखने में लग रहा है। वाह क्या हरियाली है, काश किसके बीच में हमारा घर होता, कितना एंजॉय करते। बाबू को हम जानबूझ के थोड़ा सा ज़्यादा सूट करते हैं क्योंकि ये बड़ा होकर देख पाएगा ना कि मैं कैसे चल रहा हूँ, कैसे बैठता। छी मिट्टी खा रहा है वो गंदा बच्चा। आर्स तुम गंदे हो गए हो, गंदे हो गए हो, मिट्टी बिन बिन के खाते हो। आर्स बेटी, आर्स बेटी इधर देखो। हाय हाय करो, हाय चलो। आप लोग बताइएगा किस चीज़ का ये पेड़ है, पत्ते। हमारे यहाँ तो इसको शायद चकौड़ा बोलते हैं, ऐसे कुछ करके बोलते हैं, मुझे भी ठीक से पता नहीं है पर इसको शायद वही बोलते हैं। ये देखिए कितने सारे हैं, छः या पौने सात हो रहे होंगे है ना, पौने सात हो रहे होंगे। और अभी देखिए एकदम मतलब उंजेला है, ऐसे लग नहीं रहा कितना रात हो गया है, एकदम उंजेला है, पूरा उंजेला किया हुआ है। चलो साढ़े छः है। हाँ उधर तो हाईवे उधर, यहाँ से बस घूम चुके जितना घूमना था तो हम यहाँ लोग यहाँ से निकलते हैं। आप चलो आर्यन, ये देखिए थोड़ी दूर में मुश्किल पड़ेगा। हम लोग वहाँ से आ गए घूम के, थोड़ा सा जाते हैं मार्केट की तरफ, पास में ही मार्केट है तो जाते हैं मार्केट की तरफ, देखते हैं अगर पानी पूरी कहीं दिखा तो खाएंगे। अच्छा चलना कीचड़ में ना घुस जाऊँ। आर्यन के पापा जा रहे हैं आगे आगे बाबू को लेके और हम पीछे से जा रहे हैं। ये देखिए कितना कीचड़ है, बारिश हुआ है तो हम लोग आ गए हैं मेन रोड पे और बहुत अच्छा यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। हम लोग आ गए मेन रोड पे, देखते हैं कहीं कुछ मिला अगर खाने वाला चीज़। इस साइड पर तो ठीक है, उस साइड पर नहीं जाएँगे, बहुत डर लगता है मुझे क्रॉस करने के लिए रोड। क्या नहीं है, पानीपुरी नहीं है। देखिए सामने में पानीपुरी का ठेला मुझे दिख गया है मगर रोड क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ये देखिए तो है मगर बहुत डेंजर, मतलब ये है रिक्शी काम है तो नहीं लेंगे क्योंकि दो दो बच्चे हैं साथ में तो डर लग रहा है। और गाड़ी देख रहे हैं आप लोग, इतनी गाड़ियां चल रही है, बहुत डर लग रहा है इस टाइम पे।
ये देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ जा रही है, और इस साइड पे तो कहीं दुकान मतलब दिख रही है, मगर पानी पूरी की दुकान कहीं नहीं दिख रहा है। ठेला एक ही है खाली, एक लौता ठेला उधर दिख रहा है मुझे, मगर जा नहीं सकते हम, तो क्या करें, वापस चले, चलो चलो ना। तो वहाँ देखो ना कितनी गाड़ियाँ चल रही, कितनी सारी गाड़ियाँ, नहीं जा सकते हैं क्या, इतना दूर आ जाओ, देखो ना कितनी सारी गाड़ी, हाँ देखिए कितना मतलब उस साइड जाने में बहुत रिस्क है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो डर लग रहा है, एक तो आर्यन साइकिल भी लिया है तो किसको पकड़ेंगे किसको नहीं। पावड़ा खाना है कि सैंडविच खाना है, एक काम करती हूँ यहीं से मैं कुछ ले लेती हूँ खाने के लिए, जब इतनी दूर आए हैं तो कुछ लेके ही जाते हैं, तो कुछ ले लेती हूँ यही दुकान से खाने के लिए, तो देखती हूँ क्या गरम गरम है। तो खाली पड़ा हुआ सैंडविच नहीं ना मौसी, नहीं है जाने दो, है वो भी है एक दो ना फिर मेरे को लगा बोल रहे सैंडविच नहीं है, मैं थोड़ी बोला, मैं हाँ बोला, हाँ का हाँ एक सैंडविच और एक ये बड़ा पाव, पाव बड़ा है कि बड़ा पाव, बड़ा पाव बोला का पावड़ा बोला, हाँ कोई भी कुछ नहीं, एक ही दीजिए एक ही दीजिए उसको ही। अच्छा उनको दे, अभी निकल रहा है क्या, क्या निकल रहा है ये मौसी एकदम गरम गरम निकाल के दे रही है हमें। ये देखिए कढ़ाई में अभी चढ़ाई हुआ है क्या मौसी, वड़ा पाव भी है ना, हाँ दो ही आइटम रहता है क्या, वड़ा पाव पावड़ा सैंडविच मूंग भजी बटाटा भजी कांदा भजी मिसल पाव, समझ रहे हो। पप्पा लोग चले गए और आर्यन भी लगता है चला गया, नहीं दिख रहा है अभी मुझे, बहुत डांट पड़ी, बहुत टाइम लग जाएगा, अभी तो कढ़ाई में डाला हुआ है और अभी वो तल मतलब फ्राई हो रहा है, तो पता नहीं कितना टाइम लगता है, कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा मौसी, क्या हो गए ना, सब सब घबराता है मेरा, सब घबराता, अरे छोटा सा बच्चा था ना उनको दे दी हूँ, वो रहता है कुछ रहता है, मेरे पास भी चाहिए नहीं, मेरा ठंडा भी चलेगा, ठंडा भी चलेगा, भैया बोल रहे गरम गरम अच्छा लगता है, ठंडा नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं नहीं गुस्सा नहीं कर रहे, नहीं बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहे, ओ बोल रहे हैं भैया गुस्सा मत करिएगा, मैं बोल दिया, मैं बोली गुस्सा क्या, सही बात तो है, ठंडा भी अच्छा नहीं लगता है, गर्म ही चाहिए, हाँ सही बात, ठंडा खाएगा, हाँ फिर सही मौसम, सब मेरे ही सपोर्ट में बोल रहे हैं, कुछ कहो मौसी को बुरा लगेगा लेकिन नहीं, तो चलिए मैं ले लेती हूँ मौसी पास सैंडविच और वड़ा पाव, बड़ा पाव ना पावड़ा पावड़ा, ये सैंडविच दो ले लिया, क्यों बड़ा पाव और सैंडविच, और कहीं भी मुझे आर्यन के पप्पा नज़र नहीं आ रहे, अभी मुझे डांट पड़ने वाली, बोलेंगे इतनी देर तक क्या कर रही थी, बहुत टाइम हो गया कहीं भी नहीं दिख रहे हैं रोड में, मैं फटाफट से जाती हूँ देखती हूँ, बोलो मुझे लगा डांटेंगे थोड़ा सा, बोले बहुत जल्दी आई, और ये देखिए आर्यन के पप्पा और बाबू क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं एक स्वीट की दुकान के सामने, मतलब यही गली है हम लोगों की, तो यहीं बैठे हुए, ये चप्पल नीचे गिरा दिया, ये देखिए हम लोग आ गए अपनी गली पे, मुझे लगा आर्यन के पप्पा डांटेंगे लेकिन बस इतना ही बोले कि बहुत जल्दी आई हो, तो आ गई हूँ मैं रूम पे, और मेरे रूम